मध्य प्रदेश में गरीबों की मदद करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अनेकों गरीब हितेशी योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की बदनीयत के कारण गरीबों के हितों पर डाका डाला जा रहा है। ऐसा एक मामला सागर जिले में सामने आया है, जहां पर एक मृतक के नाम पर दो बार NTST जाकर शासन को चूना लगाया गया। दरअसल पूरा मामला रहली ब्लॉक की ग्राम पंचायत सेवास से सामने आया है, जहां पंचायत के द्वारा एक मृतक के नाम से दो बार अंत्येष्टि सहायता की राशि आहरित कर शासन को चूना लगाया जा रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज जानकारी बता रही है। पोर्टल पर दर्ज जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत सेवास निवासी महिला जनकरानी पति रामकिशन अहिरवाल की मृत्यु दिनांक 30 अक्टूबर 2020 को हो गई थी। मृतका के नाम 5,000 रुपये की अंत्येष्टि सहायता राशि दिनांक 21 जनवरी को स्वीकृत की गई है, जिसका बिल नंबर 19 है। मृतिका जनक रानी के नाम पर दिनांक 25 फरवरी को दोबारा 5,000 की राशि स्वीकृत कर दी गई है, इसका बिल नंबर 22 है। दोनों बार स्वीकृत राशियां पंचायत सचिव के खाते में जमा होना पोर्टल पर संधारित बिल में प्रदर्शित है। इस मामले में जनपद CEO VK मिश्रा से जानकारी चाही गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मजेदार बात तो यह है कि जनपद CEO मामले को जानने तक में रुचि नहीं दिखाई। इस मामले में पंचायत सचिव ने सफाई देते हुए पंचायत द्वारा फीड पंचायत दर्पण की जानकारियों को ही गलत ठहरा दिया। राशि दी जाती है जी, वो दो बार निकाल ली गई जी, नहीं एक बार निकाली, एक बार अभी 6 तारीख को जमा हुई थी और अपन ने 8 तारीख को निकाली को दे दी है। नहीं, लेकिन आपका जो रिकॉर्ड है जी पंचायत दर्पण जी, तो दो बार इनका बिल लगा है जी, दो बार ये राशि शो हो, नहीं एक बार अपन ने सुनते हर बार खत्म हुए थे तो उनकी पत्नी सविता रानी को दी है, अपने पास है बिल वगैरह, बिल वगैरह है। नहीं, लेकिन आपके द्वारा जो दर्पण पे जानकारी दर्पण पे गलत जानकारी दी है, वो किसने लोड की थी? वो हो सकता है रुजा साहब से पूछना पड़ेगा, रुजा साहब ने किया होगा उसने की। नहीं तो आपकी जानकारी भी नहीं रहता? नहीं, हमारी जानकारी भी नहीं है, वो जिसने फीट किया है रुजा साहब ने। एक बार निकाली गई जी, बिल्कुल। दूसरी बार किसके नाम से निकाली गई? दूसरी बार जनक रानी की निकली, जनक रानी अहरवार रामकृष्ण को अपन ने दी है राशि। अभी 6 तारीख को अपने हमारे खाते में जमा हुई थी, अब 8 तारीख को अपन ने उसको दे दिए। उसके पहले सुनते कुर्मी खत्म हुए थे तो सविता रानी कुर्मी की पत्नी को अपने दिए थे 5,000। बहरहाल अब तक जो ग्राम पंचायतों द्वारा झूठे विकास के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा था, लेकिन यह अनूठा ही मामला है जहां अब मृतक की अंत्येष्टि राशि भी अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल देखना होगा कि मामला उजागर होने के बाद जिला पंचायत कोई एक्शन लेता है या नहीं। सागर से शुभम जैन की रिपोर्ट।